फाइनली 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 आप सभी लोगों के लिए एक और खुशखबरी आ चुकी है सीबीएसई की तरफ से कि आप सभी लोगों को हर एक एग्जाम के बीच में 10 दिन से 11 दिन के बीच में, मतलब 10-11 दिन का गैप मिलने वाला है भाई। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, क्योंकि सीबीएसई ने अभी एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो 15 फरवरी से शुरू करने वाले अपने एग्जाम और 10 अप्रैल तक आप लोगों के एग्जाम चलेंगे। कुल दिन मिलाए जाएं तो 55 दिन जो कि उन्होंने अपने सर्कुलर में लिखा हुआ है, और आपके पास अगर 5 पेपर भी मान लें तो 11 दिन, यानी कि हर पेपर के बीच में आपको मिलने वाले हैं पूरे के पूरे 11 दिन। पागल बना दिया गया है आपका, मुस्कुराइए, क्योंकि आप जो लोग आपको फंसाते हैं अपनी बातों में, आप उनकी बातों में फंस चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स मैं देख रहा हूं कि उन लोगों ने यही बोल दिया कि हर पेपर के बीच में 10 छुट्टियां मिलेंगी। अबे यार हद कर दी यार तुम लोगों ने, मुझे एक बात बताओ जरा, ये क्या पिछले साल नहीं हुआ था 15 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे? आप अगर देखेंगे तो इस साल जो 2023 में बोर्ड एग्जाम शुरू हुए हैं, वो बोर्ड एग्जाम भी शुरू कब हुए थे? 15 फरवरी की डेट से ही शुरू हुए थे वो, और ये 10 तारीख इसलिए लगाई गई है क्योंकि 12वीं के भी एग्जाम चलते हैं और भी बहुत अलग अलग स्टेट्स में एग्जाम चलते हैं। सीबीएसई तो बहुत बड़ा है यार, हर जगह पे हर जगह की स्थिति के हिसाब से अलग अलग तारीखों पर पेपर किए जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। इस वजह से ये 55 दिन ले रहे हैं, और कोई आज नहीं ले रहे हैं 55 दिन, इससे पहले भी 50 दिन तो लेते ही लेते थे। तो ऐसा नहीं होगा कि हर पेपर के बीच में 10-10 दिन का गैप मिलेगा। तो ये बस सिर्फ कुछ लोगों ने, जिन्होंने भी बनाई है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस तरीके की वीडियोस ना बनाएं, ठीक है, फालतू की अफवाहें ना फैलाएं। तो जरूरी ये है बच्चों कि आप सभी लोगों को इस वक्त प्रेजेंट टाइम पर अपने मिड टर्म पर फोकस करना है, और उसके बाद फाइनल टारगेट हमारे जो प्री बोर्ड्स रहेंगे, जो बीच में प्री बोर्ड्स आने, प्री बोर्ड्स के हर्डल आने वाले हैं, उन हर्डल्स के लिए हमें तैयार होना है। तो इन सब बातों के ऊपर गौर मत करो, चाहे वो हमें 2 दिन का भी गैप दें, मेरी जिम्मेदारी आप लोगों के लिए ये है, या केल्विन की जिम्मेदारी आप लोगों के लिए ये है कि हम आपको सारे सब्जेक्ट्स में उतना ताकतवर बना सकें कि जितनी ताकत से आप जाएं एग्जाम में और मस्त होकर के पेपर देके आएं, चाहे 10 दिन मिले चाहे ना मिले, ठीक है। तो चलिए दोबारा से अपनी कॉपी किताब उठाइए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सब बातें काम की नहीं है। जो काम की होगी मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो अलग से लेकर के आऊंगा। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आपका भाई आपका सचिन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।